शरद पवार साहेब, माननीय उद्धव ठाकरे साहेब, काँग्रेसकडून बाळासाहेब थोरात, नाना पटोलेजी, पृथ्वीराज चव्हाण आणि इतर सगळे घटक पक्ष CPI, CPM, शेतकरी कामगार पक्ष, आप ही उपस्थित राहतील. त्यावेळेला आपण हे प्रश्न विचारा, तुम्हाला नक्की उत्तर मिळेल. दिल्लीला इंडिया आघाडीची बैठक आहे, या बैठकीला उद्धव ठाकरे सुद्धा झालेला आपण देखील असणार आहे, तर यावेळी अरविंद केजरीवाल यांच्या चर्चेची भेट होणार आहे, त्याच्यावर त्या बी निर्णय घेऊन नंतर काय करायचा आहे तो. पण 31 तारखेला रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीची जी महारॅली आहे, या देशातल्या हुकुमशाहीविरुद्ध, ईडीच्या बेकायदेशीर वापराविरुद्ध, त्या महारॅलीमध्ये महाराष्ट्रातून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे आणि माननीय शरद पवार साहेब उपस्थित राहणार आहेत. संविधान वाचवण्याची जबाबदारी देशातल्या प्रत्येक नागरिकाची. आम्ही आमचं कर्तव्य पार पाडतो आणि आम्ही माननीय आंबेडकर साहेबांना वारंवार त्या संदर्भात आवाहन केलं आहे, त्यांच्यावर चर्चाही केली आहे. आम्हाला खात्री आहे की संविधानाच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्यांच्या बाजूनं प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे ते उभे राहणार नाहीत. शेवटी ते आंबेडकर आहेत आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा वारसा ते घेऊन पुढे निघाले आहेत आणि आम्ही त्यांच्याबरोबर आहोत. काय वो समूह कहाँ है? जब देश के वकील दिल्ली में EVM के खिलाफ आंदोलन करते हैं, आज सैकड़ों वकील सड़क पर उतरते हैं, तब ये 600 वकील कहाँ थे? जब किसानों की हत्या होती है सड़क पर, हाँ, तानाशाही खुलेआम दिखती है, तब ये वकील कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, तब ये वकील कहाँ होते हैं? जिस तरह से एक्सट्रैक्शन का रैकेट हाँ ईडी चलाती है, ऐसा आरोप चल रहा है, तब ये वकील कहाँ चुप बैठते हैं? कहाँ चुप बैठते हैं? देश जब इस देश का मुख्य न्यायाधीश भारतीय जनता पार्टी के मदद से राज्यसभा में जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राज्यपाल बनते हैं, चाहे कमिश्नर बनते हैं, तब हमारी न्याय व्यवस्था खतरे में नहीं पड़ती? उनके ऊपर जवाब दीजिए. प्रकाश अम्बेडकर ने आपका ही नाम लिख के जो एक ट्वीट किया जिसमें आपके ऊपर खंजर भोंकता हुआ ऐसा दिखाया है. देखिए, हम हमारी लड़ाई है संविधान के पीठ में जो खंजीर खुपसने वाले लोग हैं उनके खिलाफ. हमारा कोई, जो प्रकाश जी बोलते हैं, मेरा कोई उससे संबंध नहीं है. हम लोग एक साथ बैठे हैं, एक साथ चर्चा की है, उसमें सभी पार्टी के लोग शामिल थे. 5 सीटों के ऑफर हमने उनको दिया है, प्रस्ताव दिया है, अब उनके ऊपर है. अभी कल तक नाना पटोले के ऊपर भी आरोप कर रहे थे, अब मैं क्या बोल सकता हूँ? लेकिन मुझे पूरा विश्वास है संविधान के पीठ में जो खंजीर खुपस रहे हैं उनके साथ प्रकाश अम्बेडकर साहब नहीं रहेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. वो हमेशा ये बात आ रही है सामने कि वो अलायंस में है, आपके साथ नहीं है, वो हर बार ये बात करते हैं. कल उन्होंने ये कहा कि मुझे मीटिंग में बुलाया नहीं गया. नहीं, ऐसा नहीं है. चल क्या रहा है? नहीं, मीटिंग में बार बार अम्बेडकर साहब को बुलाया है, सबको मालूम है, आपने भी नोटिस किया होगा. मीटिंग में उतरने के बाद अम्बेडकर साहब ने आपके साथ बात भी की है, आपको मालूम होगा. उनका डेलीगेशन मीटिंग में शामिल होता था, कल के मीटिंग में वो नहीं थे क्योंकि उनके पास एक प्रस्ताव दिया है और प्रस्ताव के बारे में चर्चा करनी थी. और हमारी मीटिंग कल इसलिए थी कि अभी उससे ज़्यादा हम प्रस्ताव में क्या दे सकते हैं अम्बेडकर साहब को, तो उस बारे में चर्चा हो गई. पांच सीट ऑफर किए हैं. चलिए, डेफिनेटली काहीच पडत नाही. ईडी घोटाळा नाही का? काल केजरीवाल यांचं कोर्टातलं तुम्ही निवेदन आहे का? मग ईडी किती मोठा घोटाळा आपल्याला कळेल. चला, थँक्यू. सर,